तो शायद बाथरूम गए। सीआईडी आई नहीं तो बाथरूम लगना शुरू हुआ। चलो दिखाइए बाथरूम कहाँ पे। परदेशी सर, फिलहाल तो मैं सबको छोड़ रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, ये शहर छोड़ के कोई भी नहीं जा सकता। जी सर, हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। चलो और बताओ, और कोई आया था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से? साहब एक नया लड़का आया था साहब, प्रशांत का नाम लेकर, उसने ज्यादा पैसे दे दिए मुझे साहब। जाओगे सर, ये क्या कर रहे हो? पापड़ मिल रहा हूँ। अरे यार लैब में काम ही करूंगा ना। हाँ वो बात सही है, लेकिन नोटों के साथ क्या कर रहे हो? नोट पे उंगलियों के निशान ढूंढ रहा हूँ। अरे क्या जाओगे सर, ये नोट तो हजारों के हाथों से घूम के आए होंगे। इसीलिए तो तुम सभी इंस्पेक्टर, ज्यादा पढ़ाई करते तो एसीबी बन जाते। हाँ वो तो हम कभी ना कभी बन ही लेंगे, लेकिन किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच हुए? प्रशांत के मैच हुए और एक के मैच हो रहे। ये हितेन कौन है? हितेन? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ। अरे वाह, दो दो मर्डर करके यहाँ आराम से बैठे हो क्या? अरे सर आप ये क्या बात कर रहे हो? मैंने क्या किया है? रसूल से ड्रग्स लेकर प्रशांत को मार डाला और रमन को जेवलिन से। मैं और ड्रग्स? सर आप ये क्या बात कर रहे हो? अरे रसूल कौन है? देखो तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, सीधी तरह से बताओ क्यों मारा उनको? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, और मैं रमन को क्यों मारूंगा? वैसे भी उस वक्त मैं ट्यूशन में था। ट्यूशन? राज सर एक काम करो, इसके ट्यूशन में जाके सर से पूछताछ करो कि ये कल सुबह कहाँ पे था। ओके सर। तो बताओ प्रशांत के लिए ड्रग्स लाने कौन गया था? उसे जो पैसे दिए गए थे उस पे तुम्हारी उंगली के निशान है। कौन से पैसे? मैं सच में नहीं जानता। रिलैक्स हितेन, मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूं, सब सच बोल दो। मैं सच कह रहा हूं, सच में मैंने कुछ नहीं किया, और मैं प्रशांत को क्यों मारूंगा? वैसे भी वो मेरा सीनियर था और मुझे सपोर्ट भी करता था। हाँ प्रशांत और रमन की जमती नहीं थी, ये बात सच है, पर मैंने किसी को नहीं मारा। मैं सच कह रहा हूँ सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रशांत नहीं मारा होगा रमन को? रमन हमारे स्टेडियम का सबसे अच्छा प्लेयर था, नंबर वन। और प्रशांत दूसरा? नहीं, नंबर टू तो मैं हूँ। प्रशांत और रमन एक दूसरे से नाराज रहते थे, उनमें लड़ाई भी होती थी। देखो रसूल के पास जो नोट मिले है उसमें तुम्हारे उंगली के निशान मैच हो रहे हैं, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सर राज को फोन। हाँ राज। सर सर ये हितेन सच बोल रहा है, मैंने सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए सर। यस सर, सर ये सच बोल रहा है। ओके सर। सर ये सच बोल रहा है। देखो अब तुम्हें हम छोड़ रहे हैं, लेकिन सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, तुम बच नहीं पाओगे। चलो अभय इस हितेन पे नजर रखो, हो ना हो इस खूनी खेल में वो भी शामिल है। सर इन सबकी वजह रमन और प्रशांत का झगड़ा तो नहीं? सर ऐसा भी हो सकता है, प्रशांत ने रमन का खून किया हो और उसी डर की वजह से उसने खुदकुशी की हो। हो भी सकता है। पर सर अगर रसूल के कहने पे ध्यान दे
तो ड्रग्स खरीदने कोई और ही आदमी आया था। और जिन नोटों से ड्रग्स खरीदे गए हैं उस पर तो प्रशांत और हितेन की उंगली के निशान है। पर वो आदमी कौन था जो ड्रग्स लेने का आया था? कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। सर एक मिनट सर। अबे इसे क्या हुआ? हितेन क्या सर? एक बात बताओ, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? हितेन परदेशी। क्या हुआ अबे? सर हम ये बात कैसे मिस कर गए? मतलब? हाँ सर, श्वेता एक काम करो, जावले को फोन करो। सर हमें अभी स्टेडियम जाना पड़ेगा और एक टेस्ट करना है। चलो स्टेडियम। ज्यादा हो जो प्लेयर है ना। सर यस सर, क्या हुआ कुछ पता चला? सर हमें ये बताइए, ये रमन और प्रशांत की लड़ाई क्यों होती थी? सर रमन एक अच्छा प्लेयर था, उससे सारे लड़के जलते थे, पर स्टूडेंट में तो ऐसा चलता ही रहता है। ये बात तो ठीक है। ये हितेन आप ही का लड़का है ना? जी हाँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? सर यह सब लड़के हैं वैसे ही मैं हितेन को ट्रीट करता हूँ, या मैं उसका बाप नहीं होता, कोच होता हूँ, कोच। वेरी गुड चावले। सर के उंगलियों के और जूते के निशान ले लो। मेरे क्यों? इसका क्या मतलब? आपको क्या लगता है रमन को मैंने मारा? हमने कब कहा सर आपने मारा? सिर्फ इसका मतलब क्या होता है सर? मेरे उंगली के निशान, मेरे जूते। जितना कहा जाए उतना करो। ये क्या जबरदस्त है सर। अभी तुमने देख ही कहा है, जूते निकालो। सर जूतों के तो नहीं, लेकिन नोटों पे और जैवलिन पे जो उंगलियों के निशान है वो इनसे मैच कर रहे हैं। क्यों किया ये सब? मैंने कुछ नहीं किया सर। बोल। सर मैंने रमन को बोला था इस साल मत खेलो, हितेन को आगे जाने दो। सर हितेन मेरा बेटा है सर, मैंने उसको बोला था लेकिन उसने नहीं सुना। तुझे मैंने कितनी बार कहा, सोच ले तुम अगले साल खेल सकते हो। अरे हितेन को आगे जाने दो। सर मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ मैं ये ट्वीट करने वाला नहीं हूँ। रमन तुम अगले साल खेल सकते हो। सर अगर आप मुझे फोर्स करोगे तो मैं आपकी कंप्लेंट ऊपर कर दूंगा। ए मादरचोद, सर तुझे क्या बता रहे तेरे समझ में नहीं आता? ए चुप। याद रख प्रशांत, चुप बैठ, याद रख। रमन देख फिर से सोच लेना। मैं तुझे देख लूंगा रमन। प्रशांत देख। क्या देख रहा है तू? यहाँ फिर से आया, तुझे बोला था ना मैंने यह मत दिखाई देना। ये जगह तेरे बाप के नहीं है। ए साले ज्यादा शानपट्टी मत दिखा। ए तू जितनी भी कोशिश कर ले मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। तेरी तो ये क्या करेगा रे तू? मैं भी देखता हूँ यहाँ मुझे कौन रोकता है। अभी पता चलेगा हमसे टकराने का अंजाम। अरे मैं भी देखता हूँ यहाँ से मुझे कौन आता था।
अच्छा देखना चाहता है तू? हाँ देख। सर गुरु गुरु होता है, वो हमेशा ज्ञान देता है लेकिन किसी की जान नहीं लेता। अब सड़ते रहो जेल में अपने बेटे के प्यार में।